इसके लिए जो लेवल की बॉडी से आ रहा है निकल गया है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। आयान इज नॉट देयर क्या? आयान गाइस, आज जो है अपने टेस्ट ना गाइस, टेस्ट डिस्कशन करते हैं सर। यस सर। यस सर। मुझे कॉन्सेप्चुअल डाउट था, अभी पूछ लूं क्या? कॉन्सेप्चुअल डाउट में है। ओके, क्या डाउट है? हाँ सर, सर जो आपने मंडे को क्लास ली थी सर, आपने उसमें जो भी कैलकुलेशंस एंड फॉर्मूलाज वो सब कराए थे लाइक ओमेगा एंड ऑल, तो उसमें म्यू वायलेट एंड म्यू रेड, सो आपने वो सिर्फ वो थ्री स्पेसिफिक वेवलेंथ्स के लिए किया था ना? हाँ, डिस्पर्शन में ना, डिस्पर्शन में यू टेक जैसे जो है हमारा वाइट लाइट, उसको स्प्लिट कर देना, तो एक जो है एक्सट्रीम्स ना, वायलेट रेड और बीच वाला जो है येलो। नहीं सर, बट मेरा डाउट था कि मतलब अगर सपोज मतलब कोई दूसरे उसका भी पूछ सकते हैं क्या, लाइक ग्रीन और समथिंग, सो ओनली रेड? यस यस, ओनली रेड वायलेट। ओके ओके सर, थैंक यू सर। सर, I had a doubt in Cauchy's formula. Cauchy's formula में, yes, हाँ. Like sir, there was an error in the answer key, so can I confirm with you now? कुछ question में error था? नहीं sir, answer में error था. Sir, Cauchy's formula is a plus b by lambda square, right? A plus b by lambda square, third term भी होता है, plus c by lambda to power 4. So sir, in the answer given behind was a plus b lambda square. नहीं, बी डिवाइड बी बाय होना चाहिए ना। ओके सर, हाँ ओके सर, ये कंफर्म कर रहा था। थैंक यू सर। गाइस, आज लैम्डा रेट तो -2 था। -2 था क्या? ओके ठीक है गाइस, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स। सर आप क्या करने वाले आज? आज ई टेस्ट डिस्कस करते हैं, पूरा ई टेस्ट और डाउट्स। ओके सर, स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। सो यू विल डिस्कस ऑल 5 टेस्ट्स लेते हैं। हां ये बता, अरे स्क्रीनशॉट कौन लेगा? सर मैं ले लूंगा। निदान? यस सर। यू कैन टेक क्या? यस सर। एक निदान का, निदान ऊपर, तो यू व्हिच यू हैव डन, आई हैव डन टेस्ट। निदान? यस सर। यू हैव डन व्हिच टेस्ट? सर ऑल। Sir, I must have missed some third or fourth test. Like, I don't remember. Like, I've done 4 out of 5. Not okay. Okay. चलो ठीक है, पहला कौन सा कर रहा है? First वाला, हाँ. First में डाउट. Question number 6. Sir, third. Last test, first में कौन सा? Third वाला डाउट है क्या? Third, fifth, seventh. Sixth भी sir. Sixth. Third, fifth, sixth, हाँ. And? 19. 12, 13, 20. एक मिनट, थर्ड फिफ्थ सिक्स के बाद 7, 11, 12, 7, 7, 7, 11 नहीं था क्या? 7 था। ओके हाँ, यस सर। 7 के बाद 12, 13, 20, 19, 20, 19 17, 9th में डाउट है, और कौन सा?
17. 17. प्लेन मिरर इज अप्रोचिंग यू एट अ स्पीड ऑफ इतना यू कैन सी द इमेज इट व्हाट स्पीड विल द इमेज विल अप्रोच यू ना तो ठीक है वाले के लिए तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं ना फॉर्मूला क्या आएगा वी आई ना वी आई स्लैश एम इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इसमें वी आई इज इक्वल टू क्या आता है 2 वी एम माइनस वी ओ ऐसा आता है और यू हैव प्लेन मिरर को मूव करा रहे हैं ऑब्जेक्ट रेस्ट पे You know, so plane mirror is moving. Object is at rest. So ये कितना हो जाएगा 2 × 10 ना? सर पर zero नहीं होना चाहिए. किसका किसका? ये object object का speed zero, image का speed आ जाएगा ना? Right? V है ना? Vi is equal to Vm minus Vo. ऑब्जेक्ट का स्पीड जीरो है तो इमेज का आ गया 2vo 2vm ना सर पर वो हम लोग ने एक केस किया था ना जिसमें सर वो मिरर मूव हो रहा था पर वो इमेज तो वहीं रहेगा ओके उस केस में था क्या था मिरर वाज पैरेलल मूविंग पैरेलल टू इटसेल्फ ओ हां सॉरी मैं ओके okay, हां मैं इसमें यहां पे तो मिरर इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स यू मतलब नॉर्मल के अलावा वेलोसिटी हां सर वो अंडरस्टूड सर हां सर प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज प्लेन मिरर जो है रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज ना ना सर क्या बोला आपने रियल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज वर्चुअल का रियल ना अच्छा ओके 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 सर सो सर व्हाट विल बी हाउ टू डू द फर्स्ट क्वेश्चन सर लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट में दिया हुआ है सो इट विल बी सी राइट divergent it would be right nahi kya diya hai plane mirror reflects a diya hai pencil of light from a real, to form a real image so agar ki real image form kar raha hai to matlab ye rays aise aa rahi hongi tabhi to real image form ho raha hai yahan par na oh yes convergent sorry so ye jo hai real image ho gaya to object iska kaisa ho jayega ye wala Yes, understood. Okay, अच्छा मेरे को इन्फॉर्म करना है अब रब करूंगे बोर्ड्स के पहले ताकि मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा ओके 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 ठीक है ये तो हो गया प्लॉट सर पैरेलल रेज पे भी हो सकता है ना पैरेलल रेज होगी तो भी रिफ्रैक्टेड रेज रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर सकती है ना नहीं पैरेलल रेज का तो इमेज पैरेलल ही ऐसे चला जाएगा ना अच्छा इसमें तो क्या हो जाएगा एच बाई टू हो जाएगा ना फिर सीधा आंसर नहीं आ रहा था क्या इसका कुछ प्रॉब्लम है क्या तो डायरेक्टली बस मिनिमम लेंथ ऑफ द रिक्वायर जो है h by 2 मतलब 90 आ जाना चाहिए बस आंसर आंसर ठीक है ना क्या दिया है यस यस क्लास ई टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं सॉरी सर मैंने गलत ऑप्शन देख लिया था सॉरी सर ओके ओके ठीक है कोई बात नहीं फिर के बाद से फिफ्थ वाले के लिए ओके हाउ मेनी पर्संस आर इन अ रूम ओके हां वेदांत प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑन इसका Yes, sir. Taken. अब six के लिए, ठीक है. Six के लिए हमने ये वाला discuss किया था भाई, है ना? क्या था? ऐसा, जब plane mirrors perpendicular हैं, जैसे ये object था, तो उसके कितने images बनते थे? तीन. Yes, sir. तो
रिकॉर्डेंट ऐसा आ जाएगा ना, ऐसा यहाँ पर एक आ जाता था, यस पर एक ऐसा, ठीक है ना, ये डिस्टेंस ऐसा मेंटेन करता होगा, तीन बन जाते हैं। और इसका व्यू कैसा है, ये ऐसा है ना, ये एक्चुअल तो ये तो क्या है, फ्रंट व्यू है, लेकिन इसका आइसोमेट्रिक व्यू कैसा दिखेगा, आइसोमेट्रिक व्यू में यू हैव टू मिरर्स और ये ऐसे हैं भाई, ये ऐसे हैं और ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा हुआ था बीच में, दिस इज सिचुएशन ना, ये वाला उसका फ्रंट व्यू है, ये साइड से मान लो इधर से देखें तो साइड व्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में इमेजेस कहाँ कहाँ बने गाइस, कहाँ कहाँ बन रहे हैं इसमें, एक यहाँ बन नीचे बनेगा और एक यहाँ और एक नीचे भी, नीचे ऊपर और एक इसके पीछे ना, एग्जैक्टली दोनों के, यस हाँ हाँ, एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस वन, यस यस सर, यस सर, यस सर। अभी क्या है आपके पास इन द सिक्स्थ क्वेश्चन, तो यू हैव कितने हैं, तीन इमेजेस हैं भाई, है ना। तो अगर मान लो यहाँ पर, अब यहाँ पर और एक रख दिया जाता, ठीक है ऐसा, है ना, तो अगर नहीं और एक यहाँ रखते हैं, तो अभी किसी दो का कॉम्बिनेशन लेते हैं, एनी टू कॉम्बिनेशन, तो एनी टू का कॉम्बिनेशन कहाँ बनता है, जो मिरर रखा है उसके पीछे, इसके पीछे और ये दोनों का कॉमन पीछे, राइट राइट। सो नाउ नाउ वी हैव थ्री मिरर्स, क्या दिया है, थ्री मिरर्स, और उसमें जो है सिक्स में, एंड टू आर ऑन द एडजेसेंट वॉल्स एंड वन इज ऑन द टॉप, राइट, वन इज ऑन द टॉप, ठीक है। सीलिंग एडजेसेंट वॉल में दो है, सीलिंग में एक है, तो ये सिचुएशन कैसा हो जाएगा, जैसे मान लो एक पॉइंट पर, है ना, एक पॉइंट पे यू कैन हैव, जैसे बिल्डिंग में है, तो बिल्डिंग में यू कैन हैव एट रूम्स ना, कैसे एट रूम्स, देखो यहाँ पर, हाँ इस पॉइंट पे नीचे जो है यू कैन हैव फोर ना, जैसे सपोज से इन वन रूम नाउ वी आर सिटिंग, जो भी है, इफ यू आर सिटिंग इन वन रूम, तो आपके ही जो है से यू हैव अ वॉल लाइक दिस, ये वाला वॉल है, इसके पीछे और एक रूम होगा, इधर और एक रूम होगा और दूसरा और एक रूम होंगे, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यस सर। जैसे ये वाला, लेट मी ड्रॉ एक डी डायग्राम में, जैसे ये हो गया यार ऐसा, तो जो है तो इससे अच्छा रहा, लेट मी ड्रॉ क्यूब ना, इससे थोड़ा क्लैरिटी आएगा। ये क्यूब हो गया भाई ऐसा, है ना, तो अब जैसे कोई बंदा यहाँ खड़ा है ना, तो इसी के फ्लोर में एक और रूम यहाँ पे आ सकता है ऐसा, सो यू आर डूइंग क्लास टेस्ट 1 फर्स्ट, यस यस क्लास टेस्ट 1, ठीक है ना, देखो सो दिस इज वन रूम, दिस इज वन रूम, वैसे इसके पीछे एक रूम, एग्री, यस सर, सो कितने रूम्स हो गए नीचे, फोर फोर, और फोर ऊपर आ जाएंगे, यस सर, है ना, फोर के ऊपर एंड फोर अगेन। नाउ अब मिरर्स कहाँ का है, देखो यहाँ पर मिरर है ना, इस वाले साइड वो पे है और ये वाले पे मिरर है, नहीं, यस सर, यस, व्हेन यू हैव, देखो ये व्हेन यू टेक दिस टू मिरर्स, ये वाला एंड ये वाला, एंड व्हेन यू हैव ऑब्जेक्ट इन दिस रूम, इसके इमेजेस कहाँ बनेंगे, इस वाले रूम में बनेंगे और इस वाले रूम में बनेंगे और इस वाले रूम में बनेंगे, yes, yes. हाँ सर, यस सर, से अगर कहीं जो है, विच आर द टू मिरर्स गाइस, देखो ये वाला एक मिरर है, हाँ ये वाला वर्टिकल फेस, इसमें ये मिरर है और एक सीलिंग है, ये मिरर है ना, तो बिकॉज ऑफ कौन कौन से मिरर्स ले रहे हैं हम, हाँ दिस टू मिरर्स, ये एंड ये जो वर्टिकल मिरर्स हैं, उन वर्टिकल मिरर्स, ड्यू टू दोस वर्टिकल मिरर्स एज पर दिस एग्जाम्पल, कहाँ का इमेज बनना चाहिए, इस रूम में बनना चाहिए, इस रूम में बनना चाहिए और उसका कॉमन बैक इसमें बनना चाहिए, यस सर, वैसे ही व्हेन यू टेक कॉम्बिनेशन, नाउ व्हेन यू टेक कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस मिरर, तो कहाँ बनेगा इमेजेस, एक तो ऊपर बनेगा इसके ऊपर वाले रूम में, यस सर,
उसके ऊपर वाले रूम में बनेगा, इसके इधर बनेगा, राइट है ना सर? वो वाले रूम में कैसे बनेगा, वो डायगोनल वाले रूम में? चला हाँ, ये बताओ कि यहाँ पे जब था तो इमेज यहाँ बना था कि नहीं बना था? अरे हाँ, अच्छा इमेज का इमेज बना, ओके। तो वैसे ही, सो नाउ यू हैव थ्री प्लेन्स ना, एक एक्स वाई जेड, एक्स वाई वाई जेड, जेड एक्स, ऐसे तीन है। उससे क्या हो जाएंगे सर? क्लास टेस्ट वन अभी कर रहे हैं, फिर क्लास टेस्ट टू करेंगे, ठीक है? आज कौन से टेस्ट, आज पांचों टेस्ट कंप्लीट करेंगे। यस यस यस, ऑल वी विल डिस्कस, ठीक है? तो देखो गाइस, तो उसमें क्या हुआ आपका, तो फॉर अब जो है कोई से भी दो सेट को लोगे, दो दो का पेयर्स लेके करोगे, तो इन एवरी रूम यू विल गेट अ इमेज, नहीं? यस सर। टोटल देयर आर एट रूम्स, तो एक तो ऑब्जेक्ट ही हो गया ना भाई। हां सर। एट माइनस वन, हाँ, अंडरस्टूड? यस यस, ठीक है। सो एट रूम्स वाला क्या बोला आपने? वो एट रूम्स कैसे आए, देखो ना, देखो ये एक वन रूम हो गया, इसके पीछे एक रूम हो गया, थर्ड, ये फोर्थ हो गया, अब इसके फ्लोर के ऊपर और एक और चार रूम बैठ सकते हैं ना इसके ऊपर, हाँ, राइट? बट आई हैव डाउट कि जो जो हमारे हॉरिजॉन्ट जो वर्टिकल वॉल्स है उन दोनों के ऑपोजिट एक है, मतलब जो अपने सबसे आगे वाला फोर्थ रूम बना है ना, उसके ऊपर ही एक और रूम होगा, इफ यू कंसीडर दैट टू बी, उस पे इमेज कैसे बनेगा सर? नहीं जैसे लेट्स मार्क दिस एज वन, दिस इज टू, इसको थ्री, इसको फोर, यही सेंस में, हां? यस ओके, तो थ्री के ऊपर वाले रूम में कैसे बनेगा इमेज? ये बन गया, ये कौन सा रूम हो गया यार, ये वन के ऊपर वाला, साइकिल, ओके, दिस वन, दिस टू, ये वाला जो है इधर थ्री है सर, एक रूम में तीन साइड पे ही मिरर है ना? हाँ हाँ, यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ, ओके, और ये रहा फाइव, ये रहा सिक्स, राइट? फिर यहाँ पे जो बन रहा है ये सेवन, ये एट, राइट? तो सर सेवन में इमेज कैसे बनेगा, सेवन रूम्स कैसे बने, सेवन में इमेज कैसे बनेगा, सेवेंथ वाले में इमेज जो आपने नंबर किया है ना? हाँ हाँ, अरे नहीं, सेवेंथ वाले में जैसे देखो ऑब्जेक्ट इज इन फर्स्ट रूम, यस सर, तो ये वाला मिरर और ये वाला मिरर का जब कॉम्बिनेशन लेंगे तो सेवेंथ में पहले से ही बना देगा ना ये वाला, इस रूम में, वो सिक्स में बनेगा ना सर उसका, कौन सा जब वी टेक द मिरर वाले रूम में लेफ्ट एंड टॉप वाला लेंगे तो वो फोर, सिक्स और फाइव में बनेगा ना, सेवन में कैसे बनेगा? ओके, यू आर सेइंग कि यहाँ पर, यहाँ पे कैसे आ रहा है, राइट? सेवेंथ वाले, यस सर, सेवेंथ वाले में कैसे आएगा? ओके 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 ओके, ठीक है। नहीं पहले इसका देखो, वन और फोर, उस थ्री में तो बन जाएगा, हाँ, थ्री, थ्री में, थ्री में वो दो वर्टिकल वॉल से बन जाएगा, थ्री में जो वर्टिकल वॉल से बनेगा उसका डायग्राम कैसे एक्सप्लेन करेंगे यू आर सेइंग? सर थ्री में एक्सप्लेन, थ्री समझ में आ गया, सेवन में कैसे बनेगा समझ में नहीं आ रहा। सेवन के लिए यू आर सेइंग कि उसमें इमेजेस कैसे आएंगे? ओके, सेवन के नीचे वाले में आना चाहिए। नहीं सेवन के नीचे वाला तो ठीक है, सेवन के नीचे वाला थ्री में तो ही सकती है, यू आर सेइंग कि सेवन का रे डायग्राम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बिकॉज हाउ आई काउंटेड एंड मैं जब काउंट किया मुझे सिक्स है, कैसे हर दो वॉल के लिए एक एक और फिर एक एक्स्ट्रा जो उसके मतलब मैं इमेजिन कर रही समय उसके दोनों के बीच में से नेक्स्ट में बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो करंट सिनेरियो है लेफ्ट मिरर टॉप मिरर से फोर थ्री और सिक्स, सेवन में कैसे आएगा? आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड, आई मीन फोर फाइव एंड सिक्स, सॉरी, फोर फाइव एंड सिक्स में यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, no you are not able to understand, I am able to understand sir, agar
कैसे एक्सप्लेन करूं सर, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। देखो वन से इसमें से सर सेकंड सेकंड फ्लोर है ना, सेकंड लेवल पे हमार करंटली जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं उससे सबसे पीछे वाला रूम। यस 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 हाँ। तो वो रूम में कैसे बनेगा, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। सेवेंथ रूम में ओके यस सर, सेवेंथ रूम में हाउ इट विल बी फॉर्म, कैन यू टेल मी सिक्स्थ में कैसे आएगा फिर। सर सिक्स्थ में रूम नंबर फोर है, आई मीन हमारा जो आपने जो मिरर्स बनाया है यू सेइंग लेफ्ट डायगोनली अपोजिट होगा ना। यस सर ओके, तो ये किसका डायगोनली अपोजिट है यू आर सेइंग लाइक दैट। यस सर सर बैक ट्रेसिंग से नहीं आएगा, नहीं वो बोल रहा है रे डायग्राम से बैक ट्रेसिंग ऊपर वाले फ्लोर से। ऊपर वाले फ्लोर में मिरर का है, नीचे ही है मिरर। अच्छा ये यहाँ पर मिरर्स में है ना, इसमें ये दो वर्टिकल वॉल और यहाँ सीलिंग में है, तो वो कह रहा है कि इसमें कैसे आ गया। ठीक है इसका डायग्राम आई विल टेल, ठीक है एक मिनट ठीक है ना सर विल डिस्कस। ठीक है अभी सेवन पे आते हैं। Yes, मुझे भी इसमें डाउट था, मतलब सेवेंथ वाले में नहीं सिक्स्थ वाले में। ओके ओके ठीक है आई इसका दूसरा डायग्राम है, सॉरी इफ आई फर्दर कंफ्यूज्ड एनी। नो 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 ठीक है ठीक है। सेवेंथ वाले के लिए क्या दिया है, व्हेन अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन अ लेवल ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 दिया हुआ है 60 मीटर्स ओके 60 meters, ठीक है, this is a plane mirror. The plane mirror is placed horizontally on a level on a distance of 60 meters from the foot of the tower. Okay. The top of the tower and its image substituted an angle of 90 degrees at the eye, the height of the tower. So, मैं कुछ डायग्राम ही नहीं समझा कि कैसे डायग्राम बनाना है। मुझे भी नहीं समझा सर। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, प्लेन मिरर ऐसा है ना, इस प्लेस हॉरिजॉन्टली ऐसा। यस सर। और जो है इसका इमेज बन रहा है, इसका इमेज यहाँ कहीं बन रहा है ना, और ये बंदा यहाँ कहीं देख रहा है। ये 60 meters away. This is 60 meters away. Yes. तो इसका इमेज बना और ये मतलब ये रेस पूरी यहाँ से आती रहेंगी है, पूरी ना रिफ्लेक्टेड रेस। ठीक है रिफ्लेक्टेड रेज जो है यहाँ से जाती हुई रहेंगी, इसका ये इमेज यहाँ पे आ जाएगा ना। ठीक है ये ऑब्जेक्ट इसका इमेज यहाँ पर, और जो है कौन सा ये वाला एंगल इज 90 डिग्री क्या। यस दिस एंगल इज 90, दिस इज वो अब से 45 हो गया सर। ओके तो दिस टू आर इक्वल, ओके तो दिस इज 45, दिस इज 45, ओके तो ये भी 60 हो जाएगा। देखो डायग्राम में दिया है, जैसे मान लो ये दिस इज ऑब्जेक्ट 60 मीटर्स का एंड ये मिरर है ना, तो इस मिरर में इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा एग्जैक्टली exactly, ऐसे बनेगा यू ड्रॉ इसको एक्सटेंड करेंगे एंड ऐसा ड्रॉ करेंगे तो इमेज बन जाएगा, दिस इज द इमेज। यस सो अब जो है ये इमेज जो है कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है, 90 डिग्री टोटल एंगल। यस सो बट दैट्स द एंटायर नॉट द एंटायर इमेज राइट, दैट्स द इमेज विद द ऑब्जेक्ट इज सब्टेंडिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज विद द आई देन। Yes, yeah, the top of the tower and its image. Yes, the top of the tower and its image in the mirror. Substance and angle, dono milke 90 degree substance. Okay, okay, yeah, okay. I read it incorrectly. Okay, thank you, sir. Sir, if we get as a subtended an angle on the eye, so that means our incident ray or reflected ray ke beech ka angle.
लाइक नाउ बोथ लाइक ये जो है ये दोनों मिलके यस लाइक ये दोनों मिलके okay. ऐसा फिर पर 12th के लिए प्लेन मिरर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल ठीक है वेदांत प्लीज टेक दिस वाज माइन वेदांत this was 7th this was 9th one na yala this was 7th 7th ye 7th vedant please take screenshot this sir vedant hai hi nahi vedant hai hi nahi are vedant left so can anybody else can take with me anybody else Nobody can take screenshot. Aditya, हाँ हाँ सर आ गया मैं आपके पास. वेदांत इस गया. चलो. अब ninth के लिए क्या दिया है? Plane mirror makes an angle of 30 degrees with the horizontal. Plane mirror makes an angle of 30 degrees with the horizontal. जो दिया है, if a vertical ray strikes the mirror, तो vertical ray इसको स्ट्राइक कर रहा है ठीक है दिस विल बी द नॉर्मल तो ये नॉर्मल ऐसा हो जाएगा यहाँ पर तो इसके लिए एंगल निकाल लेते हैं ये वाला एंगल जो है 30 ये नॉर्मल नॉर्मल के साथ एंगल चाहिए ना भाई तो नॉर्मल के साथ एंगल क्या होगा 30 ये वाला जो है 60 ये वाला 30 दिस इज योर जो है नहीं ये हमें चाहिए ना ये एंगल चाहिए ये वाला 30 है ना ये 60 तो नॉर्मल के साथ एंगल क्या हो जाएगा उसका दिस इज अ वर्टिकल रे ना दिस साइड है ना हाँ देखो ये 30 है 60 तो ये वाला जो है ये प्लेन मिरर ये उसका नॉर्मल तो जो है नॉर्मल के साथ एंगल इज 30 तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला R is equal to 30 आ जाएगा so the angle with the surface the angle with the surface will be this angle the normal or surface ये again perpendicular हो जाएंगे so this angle will be 60 degree ना the angle between the mirror and the reflected ray ये understood ये वाला ninth screenshot ले लो हाँ हाँ किसी का डाउट है क्या कैन कैन डू आई नीड टू एक्सप्लेन अगेन सर एक और बार तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है सो यू हैव अ मिरर है ना ये वाला एंगल कितना है रे कैसे आ रही है वर्टिकल रे आ रही है सो यस सर दिस इज 30 ये एंगल 60 हो गया नॉर्मल के साथ ये नॉर्मल है तो नॉर्मल के साथ वाला एंगल भी 30 है तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री से जाएगा तो दिस एंगल विद द मिरर दिस इज 60 डिग्री 60 वही ढूंढना है एंगल बिटवीन द मिरर एंड द रिफ्लेक्टेड रे वही ढूंढना है ठीक है यस ओके हां ये तो 12th वाला हो गया ये 9th सॉरी ये कौन सा था 12th वाला सो दिस वाज द 12th वन This was a clear one. Okay, 12th हो गया. फिर next doubt 13th में जो है a watch shows a time as this when seen through a mirror time appeared will be. Oh हाँ दोनों मिलके 12 ना. तो 13th के लिए simply कितना आ गया था ये कितना given है 325 है. तो कितना आ जाएगा उसका? 835 हो जाएगा ओके 13th के बाद फिर कौन सा 17 a man having a height of 6 meters he observed image of 2 meters height erect ठीक है तो mirror used is अब अगर की जो है erect image concave mirror में बनता है तो virtual और erect, वो magnified होता है this is not concave
कॉन्वेक्स यस कॉन्वेक्स में इरेक्ट बनता है डिमिनिश बनता है प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन इज वन तो क्या हो जाएगा 17 के लिए करेक्ट ऑप्शन कॉन्वेक्स यस तो 17 के लिए तो स्ट्रेट अवे कॉन्वेक्स हो गया सो विदान प्लीज कॉपी योर स्क्रीनशॉट हां ले लिया सर 17 का 19 focal length of plane mirror इसमें इसका radius जो है radius of the plane mirror flat surface का radius infinity है ना तो focal length of plane mirror क्या हो जाएगा infinity ठीक है फिर 20 A ray of light is incident at 50 degrees on the middle of one of the two mirrors arranged at an angle of 60 degrees with them. The ray touches the second mirror, gets reflected back from the first mirror, making an angle of incidence of. So, okay, इसमें जो है, you have 20th के लिए, we have two plane mirrors. These are the two plane mirrors. Mirror 1, mirror 2, okay. So, ray is incident on the middle of the one of the two mirrors. Ray of light is incident at an angle of 50 degrees, okay. So, your angle is 50. This angle is 50 degrees. Two mirrors and the angle between them is 60 degrees, okay. Yeah, 60 degrees here. The ray touches the second mirror and then making an angle, okay. So, yahan se ये कितना हो जाएगा ये भी 50 होगा ये भी 50 हुआ तो जो है ये वाला क्या हो जाएगा 40 और तो ये वाला कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा तो नॉर्मल जो है 80 हो गया तो नॉर्मल के साथ जो है ये वाला 80 हो गया तो नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 10 यस तो एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस 10 है तो इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा यस अगर वो बेटर एंगल में लोगे तो एक्सटेंड होके मिरर 2 पे लग जाएगा ओके इट गेट्स गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट मिरर मेकिंग एन एंगल ऑफ ओके फिर वैसे कौन सा एंगल निकालना था हमें वी नीड टू फाइंड द एंगल एट व्हिच इट स्ट्राइक्स मिरर 2 अगेन ओके मिरर 2 अगेन वी वांट टू फाइंड दिस द ओके m2 किस ओके कैलकुलेट करना है तो ठीक है This angle will be how much? नहीं वो नहीं निकालना है वो ये वाला okay. नहीं सर वो second mirror पे reflect होके वापस first mirror पे जाएगा this नहीं say this is your this we are treating as first okay this is second okay हाँ huh? so it should come back to the first then. So after reflection from the second mirror it will come back to the first mirror so at what angle will it make with the first mirror with the normal of the first mirror ओके यार ये निकालना है मतलब यहाँ पे फिर आ रहा है ये वाला यस सर 40 ओके ठीक है 50 40 ये वाला 80 है दिस इज 10 तो आपको ये तो पहले ठीक है अभी जो है ये वाला कितना हो गया 60 हो गया ये 90 हो गया ये कितना आ जाएगा फिर दिस इज 30 सर 90 कैसे ओहो 90 नहीं क्या कर रहा हूं ये वाला 10 है ये 60 हो गया ये कितना हो जाएगा 100 160 20 हो जाएगा और 70 नॉर्मल के साथ निकालना है क्या आपको हाँ ये अंडरस्टूड किसका डाउट था 20 है तो लगता है ठीक है गाइस ये हो गया फिर सेकंड टेस्ट में ओके नेक्स्ट टू सेकंड वाले के लिए कौन सा कर रहे हैं फिफ्थ 19 20 क्लास टेस्ट 2 में क्लास टेस्ट 2 के लिए कौन सा 5 19 20 4 5 19 20 9 आल्सो 9 भी चाहिए 15th सर 15th वाला 15th
11 सर ओके 11 19 20 फोर्थ वाला दिया है concave the focal length of the concave mirror is x and distance from the object to the principal axis is x the ratio of the size of the बताना है ठीक है the distance from the object to the principal axis is x तो fourth वाले के लिए magnification और calculate करते हैं तो transverse magnification क्या जाएगा f by f minus u ठीक है f by f minus u और distance is x तो ठीक है distance is x f by f plus x is the transverse magnification this is h I by h क्या दिया है the ratio of the size of the image to the size of the object okay वही निकालना है जैसे आपके पास ये ये फोकस और ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ये फोकस से दिया हुआ है बट डिस्टेंस कैन बी ऑन आइदर साइड नो एक्स इट कैन बी टुवर्ड्स द मिरर और अवे फ्रॉम द मिरर एज़ वेल सो दिस ये जो है दिस इज यू है ना ठीक है दिस इज योर यू ये डिस्टेंस का जो है ऑब्जेक्ट ये वाला दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस इज ये वाला दिया हुआ है तो f माइनस एक्स f बाई f माइनस u f माइनस u कौन सा हो जाएगा यार ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा ना यस सर x बट x कूड हैव बीन ऑन द अदर साइड एज वेल राइट सिर्फ डिस्टेंस बोला नहीं अवे फ्रॉम द फोकस और टुवर्ड्स द मिरर ऐसा कुछ बोला नहीं है तो प्लस माइनस x आना चाहिए ओके 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 जो है ये वाला जो है मतलब एक माइनस साइन भी होता तो भी लेकिन हाँ देखिए ऑप्शन तो एक ही है ना हाँ सर मतलब बट व्हाइल सॉल्विंग द सम आई फेल्ट देयर शुड बी अ प्लस माइनस देयर पर ऑप्शन में से आई पिक्ड अप एफ वाई एक्स ओनली बट करेक्ट करेक्ट दोनों हो सकता है डिस्टेंस जो है उस साइड भी हो सकता है या इस साइड का भी हो सकता है करेक्ट हाँ ऑब्जेक्ट इधर वाला हो सकता है या ऐसा भी रह सकता है ठीक है तो ऑप्शन एक ही था तो ठीक है मैं सेलेक्ट मान फोकस है क्या हाँ ठीक है तो x1 x2 is f square हो जाएगा फिफ्थ वाले के लिए f square is x1 x2 आ जाएगा ना जैसे न्यूटन फॉर्मुले से ये तो डायरेक्टली हो जाएगा ठीक है ना यस सर चलो ठीक है फिफ्थ वाला विदान प्लीज हाँ सर कैन यू आल्सो डू द 16th वन 16th विदान प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले हाँ सर एक सेकंड सर सर फ्रॉम द फोकस दिया है ना डिस्टेंस ये भी हाँ ये वाला दिया है ना यार नहीं सर फिफ्थ वाले में भी फिफ्थ वाले में भी हाँ डिस्टेंस जो है फोकस से दिया है और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है ना न्यूटन फॉर्मूला जो है x1 x y सर वो तो आपने तो फॉर्मूला दिया था x into y equal to x के लिए वो डिस्टेंस फ्रॉम फोकस था हां हां वो मेरे को लगा डिस्टेंस फ्रॉम पोल था वो वाला फॉर्मूला अरे वो डिस्टेंस फ्रॉम द पोल अरे डिस्टेंस फ्रॉम द पोल तो मिरर फॉर्मूला हो गया 1 / v + 1 / 1 / f अच्छा ओके 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 थैंक यू चलो हां फिफ्थ ये लास्ट फिफ्थ के बाद 9 A concave mirror is used to focus the image of a flower nearby. Yeah, well, 120 centimeter. To here, well, 120 centimeter from the flower. Okay. If lateral magnification of 16 is desired, the distance of the flower from the mirror should be okay.
ओके ठीक है फ्लावर जो है 120 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लावर नाइंथ के लिए लैटरल मैग्निफिकेशन ऑफ लैटरल मैग्निफिकेशन ना तो लैटरल मैग्निफिकेशन क्या जाता है स्मॉल ऑब्जेक्ट अगर लेना है तो डीबी बाई डी यू क्या जाता है नारे वाला एम डी स्क्वायर ना माइनस वी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू माइनस एम टी स्क्वायर डी यू ओके तो ये कितना चाहिए यार अभी जो है ये कितना 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 टाइम होना चाहिए 16 times, no? Yes, sir. Yes, sir. Lateral magnification is 16. 16 है, तो MD क्या हो जाएगा भाई? 4. Negative 16 लेंगे. हाँ, मतलब हमें क्या है, देखो. 4, जो है, real object का हम यहाँ पर, जो image बना रहे हैं, real image है ना, तो 16 times बन रहा है. तो 16 times बन रहा है, तो हम बोल रहे हैं, ठीक है, transverse sine theta का क्या, minus 4, और इसको क्या लिखेंगे, F by F minus U. तो ये वाली वैल्यू रखते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस फोर एफ प्लस प्लस फोर यू इज एफ तो क्या जाएगा 5f is equal to 4u और u की वैल्यू कितनी है 120 है ना यस सर ये कितना आ जाएगा 5 तो नेगेटिव 120 अच्छा ओके एक ही बात हुई 96 आएगा सर नहीं डिस्टेंस ऑफ द फ्लावर फ्रॉम द मिरर पूछा क्या यस सर डिस्टेंस ऑफ द फ्लावर फ्रॉम द मिरर मतलब ये इमेज का डिस्टेंस है क्या 120 ये इमेज का डिस्टेंस है क्या यस सर ओके इमेज का डिस्टेंस कहाँ से है ये वाला डिस्टेंस फ्लावर फ्रॉम ऑब्जेक्ट फ्लावर से 120 सेंटीमीटर है f by f minus v by f हो गया अरबी का तो जो है देखो क्या क्या है अगर मान लो ये ऐसा है ना तो फ्लावर अगर ये मान लो यहाँ पे रखा आपने इसका इमेज पीछे बन गया ठीक है तो ये डिस्टेंस दिस इज अ फ्लावर इमेज किसका कहां से कौन सा डिस्टेंस है ये वाला लैटरल मैग्निफिकेशन इज 16 द डिस्टेंस ऑफ द फ्लावर फ्रॉम द मिरर शुड बी पॉइंटिंग मिरर इज टू फोकस द इमेज ऑफ अ फ्लावर ऑन अ नियर बाय वेल सर दो इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो ना एक बार f अपॉन f माइनस u लो एक बार f अपॉन f माइनस u अपॉन f लो और फिर v और u के बीच में रिलेशन दिया भाई हम लोगों ने नहीं u तो निकालना है ना हाँ u तो निकालना है नहीं सर u नहीं नहीं मैं ये बोल रहा हूँ सर उन दोनों के बीच का u और v के बीच का डिस्टेंस 120 दिया हुआ है ना u और सर हम फोकल लेंथ के टर्म्स में सबको निकाल देंगे जैसे हम मुझे अभी 4 किसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट x ले लेते हैं और एक एक x plus 20 ले लेते हैं हाँ वही 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 बोल रहा हूँ मैं x and x plus 20 दोनों का subtraction सर ये जो formula है ना mt का तो सर उसको दो बार लिखेंगे एक बार हम f minus v upon f लिखेंगे और एक बार f upon f minus u लिखेंगे तो सर v और u सर हमें focal length के terms में आ जाएगा same variable है तो सर दोनों का subtraction should be equal to 120 चलो सर आ रहा है क्या हाँ सर एक बार मैं वही कर रहा हूँ सर हम ट्राई करते हैं ना सर आई डिन अंडरस्टैंड द डायग्राम नहीं इसमें जो दिया हुआ है जैसे हम क्या ये अज्यूम कर रहे हैं कि देयर इज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट लाइंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है
तो ये छोटा सा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं. अब दिया है कॉनकेव मिरर यूज टू फोकस द इमेज ऑफ अ फ्लावर ऑन अ नियर बाय वेल 120 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लावर. तो ठीक है, वेल मान लो पीछे कहीं है और इसके इमेज को यहाँ पे फोकस करना है हमें. तो ये डिस्टेंस हमारा जो है 120 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लावर है. ओके योला सर, आई कांट रियली सी दैट पार्ट एक्चुअली, दैट पार्ट ऑफ द बोर्ड. एक मिनट, एक मिनट. हाँ अब देखो, अभी जो है इमेज क्लियर नहीं आ रहा है क्या? जैसे ये वाला आपका तो ना डायरेक्टली f upon f minus u को f minus v by f से ये कर दे क्या इक्वेट? हाँ सर, मेरे को f की वैल्यू आ गई 32 सेंटीमीटर. एक मिनट जो क्या क्या f minus v by f को किसे इक्वेट करना है? f by f minus v minus u. हाँ सर, हाँ सर ऐसा ही कर सकते हैं. इसे क्या है यार, इसे जो है वो रिलेशन आ जाएगा क्या? हाँ सर. तो लेकिन मेरे को सर ये आया 4u is equal to f and 5f is equal to v, तो क्वाड्रेटिक और सबसे बच जाएंगे हम. एक मिनट निदान, क्या बोल रहे हो सर? देखो सर, मैंने पहले ये किया माइनस फोर इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू. एक मिनट निदान, हाँ देखो ये वाला वेल है और इनके बीच का डिस्टेंस इज 120 सेंटीमीटर और यू आर सेइंग ये डिस्टेंस को कुछ एक्स नॉट लेना है, राइट? हाँ ले लो सर, चल जाएगा. हाँ हाँ, तो अब क्या रिलेशन लिखना चाहते हो यहाँ पर सर? माइनस फोर इज इक्वल टू एफ माइनस वी अपॉन एफ. हाँ, वो तो लिखा है. हाँ, और इससे हमें आ जाएगा 5F is equal to V. अगर मैंने कोई नहीं किया तो 5F is equal to V आ रहा है. हाँ, सर सर इससे मेरे को आया 4U is equal to F. वही सेम कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं होगी तो करेक्ट रहेगा ये. उससे कुछ नहीं आएगा सर. 120 सर, 120 पे किधर यूज कर पाएंगे हम? ऐसा भी हो सकता है. हाँ ठीक है ठीक है. मैंने क्या किया 5f माइनस 5f by 4 किया. 5f minus 5f by 4. 5f by 4. हाँ. So is equal to 120. तो f निकाला. हाँ सर, 32 आया मेरे को. हाँ फिर. सर फिर अभी क्या पूछा ना? Distance of the object distance सर पूछा अभी सर. तो object distance का 4u is equal to 5f पता है हमें. हाँ, इसे करो. आंसर आ रहा है? आंसर आ रहा है क्या सर उससे? ये कितना हो गया? आ रहा है लगता है. अरे ये एक सेकंड, ये वाला यहाँ रखेंगे ना. 40 आ गया. 40 आ रहा था, लगता है मैंने कुछ कैल्सियम रख के लगता बीच में. मेरा ही 40 आया लेकिन पीछे आंसर 8 दिया. पीछे आंसर क्या दिया? 8. सर मेरा 8 आ रहा है. 8 कैसे किया सर? मैंने जो फ्लावर है और जो मिरर के बीच का जो डिस्टेंस दिया है वो x ले लिया. तो फिर जो मतलब फ्लावर और मिरर के बीच का डिस्टेंस है x ले लिया. फिर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस v बाय u. तो फिर v हो जाएगा 120 प्लस x और u हो जाएगा x. एक रुक जाओ, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू कितना आया? 4 टाइम मॉड ले लेते हैं ना. मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ v बाय मॉड ऑफ u. ठीक है, मैग्निफिकेशन 16 रहेगा ना. अरे हां सर, 16 से आंसर आ रहा है. हां सर 16 बाय u स्क्वायर 16 है. v बाय u नहीं, हां लैटरल मैग्निफिकेशन दिया हुआ है उन्होंने 16. लैटरल तो अलोंग एक्स मतलब
जनरल मीनिंग देखेंगे तो इट विल बी हॉरिजॉन्टल लैटरल इज हॉरिजॉन्टल ओके यस सर सो इट इज ट्रांसवर्स आई चेक वेट मिलेगी सर ट्रांसवर्स बोलते हैं उसको हां हां ट्रांसवर्स भाई ट्रांसवर्स हां सर हमने वो गलती कर ली मैग्निफिकेशन इज माइनस v / u करके हां तो 16 माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस v / u होना चाहिए मतलब लैटरल इज ट्रांसवर्स क्या हां यस लैटरल ट्रांसवर्स लेते हैं ठीक है तो MT इज इक्वल टू क्या जाएगा माइनस 16 F16 फिर तो पूरा हो गया फिर v हो जाएगा माइनस 120 माइनस x अपॉन माइनस x तो फिर x हां x नॉट तो x नॉट फिर 8 आ जाएगा ओके वही मिस्टेक है ये तो मॉड ले लिया ठीक है यार फिर उसके बाद जो है 11th नहीं पे कौन से कर रहे थे हम 9th हो गया तो रुक जा रब मत करना 2 मिनट्स ऑब्जेक्ट इज प्लेन इज 40 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्टूर द इमेज फ्रॉम द 11th के लिए जो है वो 42 मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है ना तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ था इमेज तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ था इमेज कैसा होगा रियल इनवर्टेड एंड सेम साइज सेम साइज यस सर सेम साइज का ओके 11 के बाद कौन सा है 13 रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 40 साइज ऑफ द इमेज इज ट्वाइस अरे यार साइज ऑफ द इमेज इज ट्वाइस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दो पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा क्या यार दोनों ठीक है दोनों लेके देखते हैं सर कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं देखो 13 का भी था 30 हां सर दो पॉसिबिलिटी होगी 13th में जो वर्चुअल एंड रियल तो 13th में जो है MT इज इक्वल टू और आपका मैग्निफिकेशन कैसा चाहिए आपको डबल चाहिए ठीक है प्लस 2 f / f - u करो और एक बार माइनस 2 इज इक्वल टू f / f - u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है u1 u2 निकालो कितना आता है थर्टी इन टर्म्स ऑफ f कितना आता है f के टर्म्स सर f की वैल्यू दी हुई है नहीं f के टर्म्स ना हाँ फिर f की वैल्यू रखेंगे ना तो f कितना दिया हुआ है 2f तो फिर 2f माइनस 2 u1 इज इक्वल टू f आ जाएगा नहीं हाँ ठीक है f इज माइनस f minus 20 रख लो तो सर अगर हमें u2 या u1 नेगेटिव आएगा तो सर उसका मॉड लेके हम ऑप्शन टिक कर देंगे ना अकॉर्डिंगली हां डिस्टेंस अगर बनाना पहले तो कोऑर्डिनेट देखेंगे फिर उसके बाद डिस्टेंस बनाएंगे ओके सर तो ये कितना आता है u1 u2 क्या 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 आ रहा है u2 30 u2 30 आ रहा है और u minus 10 गला माइनस 10 किसी ने माइनस 10 बोला माइनस 10 ये माइनस 1 और ये भी माइनस ही आना चाहिए हां सर ये भी हां सर 30 आंसर करेक्ट है तो डिस्टेंस हां तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा मॉड सर 30 फिर ठीक है फिर 15 upon the object is measured a distance of 10 cm and its real image is found at a distance of 20 cm from the concave mirror. If the object moves towards by 0.1 cm towards the mirror, the image will shift by. Okay. Sir, abhi use karenge wo DV wala. Sir, ek second. Yes, sir, you can erase. Okay, 15 period. ऑब्जेक्ट पहले कॉनकेव मिरर उसका कितना है यार इसका फोकल लेंथ
नहीं दिए फोकल सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस दिया ना कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 और इमेज इमेज वाला रियल इमेज 20 सेंटीमीटर मतलब पीछे बंदा है यहां पर ओके हां सर ये ऑब्जेक्ट मान लो ए और यहां पर उसका ए डैश अब जो है ये ऑब्जेक्ट को किधर ले गए पीछे ना इधर आगे आगे मिरर के तरफ लेके गए 0.1 सेंटीमीटर से उसका इमेज पीछे जाएगा सर ऐसा कैसे सर बोल नहीं सकते ना सर पीछे जाएगा आगे जाएगा ओ नहीं फोकस भी फोकस की तरफ जाएगा तो इमेज इन्फिनिटी की तरफ ना नहीं सर अगर सपोज फोकस से एकदम ही आगे चले गया तो सर फिर वर्चुअल हो गया ना फिर इमेज के पीछे हो गया ओके यू आर सेइंग कि ये ऑब्जेक्ट हां सर जस्ट फोकस की तरफ था फिर इधर चला गया तो ऐसे चला गया सर नहीं वही 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 एक एक वो तो ऑप्शंस पे डिपेंड है ना दोनों केस लेना तो सॉल्व कर सकते हैं आदि तो उसके लिए क्या हो जाता है वो बहुत इनफाइनाइट में चला जाता है ना ये वाला जो है डीवी और ये डीयू तो डीवी बाय डीयू क्या हो जाएगा माइनस एम माइनस एम डी स्क्वायर अब माइनस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर और कितना है यार ये वाला 20 और 10 ना यस यस सर स्क्वायर इनटू डीयू कितना हो जाएगा मैंने गलती से 4 ही बोला सर 0.4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर हो जाएगा आंसर ठीक है ना ये ऑप्शन ही है सर ये ऑप्शन है ओके मैच हो रहा है फिर 16 में क्या दिया है कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स अ इमेज हैविंग ट्वाइस द लीनियर डाइमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ट्वाइस द लीनियर डाइमेंशंस तो मैग्नीफिकेशन डबल है द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज वर्चुअल तो मैग्नीफिकेशन क्या लेंगे सर उसका लेंथ और ब्रेथ भी चेंज हो रहा है क्या तो कोई सा भी डायमेंशंस के लिए परपेंडिकुलर ही हो गया ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन ही हो गया राइट सर क्या बोला आपने नहीं ऑब्जेक्ट को हमने रखा है जैसे एक मिनट जैसे सपोज दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है तो ये डायमेंशन या ये डायमेंशन दोनों परपेंडिकुलर ही होगा ना ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन में कैटेगराइज होगा ना कितना दिया है वर्चुअल है ना तो प्लस हो गया एफ बाई एफ माइनस तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बताना है एफ कितना दिया होगा माइनस 15 यू आ जाएगा राइट के लिए यस सर ठीक है 19 पे इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर इज 3 टाइम्स द ऑब्जेक्ट देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर ओके तो 16th में फिर वही सॉरी 19th के लिए 3 टाइम्स है दोनों केस लेना पड़ेगा माइनस 3 इज इक्वल टू एफ बाय एफ माइनस यू और एम टी इज इक्वल टू प्लस 3 इज इक्वल टू एफ बाय एफ माइनस यू है ना तो दोनों के लिए यू निकालो
सर एक केस में सर नेगेटिव फोर आंसर आ रहा है और ऑप्शन में सर आंसर नेगेटिव फोर को करेक्ट दिया है, कैसे हो सकता है? नहीं एफ की वैल्यूज माइनस सिक्स तो यू कितना आया इससे? कि एक सर किसी कोई तो एक में सर माइनस फोर आंसर आ रहा है मतलब ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट माइनस फोर आ गया ना सर लेकिन ये गलत हो गया ना डिस्टेंस माइनस फोर कैसे हो सकता है ऑप्शन ही माइनस फोर दिया है ऑप्शन तो लगता है एक डी ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है डी ऑप्शन तो डी ऑप्शन में कितना आया डिस्टेंस 12 आया लगता है मेरे को तो 12 आया था मैं श्योर नहीं हूं सर मेरे को वापस कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा एफ की वैल्यू माइनस सिक्स इसमें भी रखो क्या क्या आता है देखो दोनों में क्या क्या आ रहा है यू यू दोनों में नेगेटिव आना चाहिए ऑब्वियसली हाँ सर एक मेरे को माइनस एट आया हाँ फर्स्ट वाले के लिए ओह सर माइनस एट आ रहा है हाँ हाँ सर दूसरे वाले के लिए लगता है माइनस फोर रहेगा माइनस फोर आ रहा है माइनस फोर कैसे आएगा फिर हाँ सर माइनस फोर रहेगा ना हाँ सर माइनस फोर रहेगा सेकंड वाले के लिए माइनस फोर आ रहा है हाँ तो अगर डिस्टेंस बोला है तो बेस्ट ऑप्शन फिर बी होना चाहिए यस सर बी पीछे ए दिया हुआ है डिस्टेंस ऑलवेज हैज टू बी पॉजिटिव ना डिस्टेंस हैज टू हां तो ठीक है दोनों आंसर्स आ रहे हैं तो इस केस में जो है फिर हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली जाएंगे ना डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर तो बेस्ट ऑप्शन फिर ए हो जाएगा प्लस बी एस ठीक है 20th उसमें तो पूरा पानी में भरा हुआ पूरा पानी भरा हुआ है कहीं कोई वाटर की वजह से कोई बेंडिंग नहीं है जैसे बस एक ही इवेंट होगा रिफ्लेक्शन ना तो फोकल लेंथ सेम ही रहेगा नहीं अगर मान लो जो है फोकल लेंथ कब चेंज होगा अगर नहीं रिफ्रैक्शन वाला इवेंट होता रे बाहर निकल रही होती मीडियम कुछ अलग अलग है तो बेंडिंग होता है ना यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा यार सीधे का सीधा ऐसे ही आ गया सर सपोज अगर बीच में और दो तीन लेयर होते कुछ तो लिक्विड के तो सर फोकल लेंथ डिफरेंट होता अगर दो तीन लेयर होते हैं और वो लेयर भी कर्व्ड है क्या सर लिक्विड है तो सर कर्व्ड हो ना वो तो शेप ले लेगा ना जिधर डाला उसको नहीं अगर मान लो फिर उसके बाद फिर एक एक फाइनल आपको फिर इमेज बनाना पड़ेगा ना ये जब मैं फोकल लेंथ की बात कर रहा हूँ फोकल लेंथ बदलेगा क्या मिरर का नहीं ना नहीं मिरर का तो मिरर का फोकल लेंथ निकालना है ना तो सिर्फ मिरर रख के रेज भेजनी पड़ेंगी ओके ना ठीक है और यहाँ पे एक ही मीडियम डिस्क्राइब कर दिया तो पूरा मीडियम ऐसे का वैसे रहेगा यहाँ पे क्यों नहीं चेंज हो रहा था फोकल लेंथ मेरे को समझा नहीं यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हुआ जैसे ये मिरर हो गया और आपने पूरा मीडियम पूरा क्या कर दिया वाटर भर दिया है पूरा ठीक है एंड टू कैलकुलेट फोकल लेंथ यू विल सेंड अ पैरेलल रे जाओगे पूरा मीडियम सेम है कहीं पे भी कोई बेंडिंग वगैरह नहीं है रिफ्रैक्शन वगैरह कुछ नहीं होगा सिर्फ एक ही इवेंट होगा रिफ्लेक्शन ओके मतलब पूरा पानी है जो मतलब रेस भी पानी से आ रही है Yes, because the whole system is jo hai submerged in water. Immersed in water. Okay. ना इसमें कोई changes नहीं है. Class हाँ third वाले में. Fifth. फिर हाँ इसके लिए first ना उसमें कौन-कौन से doubts हैं इसके. Sixth. 21. 11. कौन सा है सिक्स फिफ्थ सिक्स थर्ड 21
सर जब लास्ट टेस्ट का डिस्कशन खत्म हो जाए तब आप ग्रुप पे लिख सकते हैं, मतलब कि जब आप एचसीवी करने वाले हो। वो एचसीवी का जो है अपन ने कर लिया है ना, एचसीवी में कुछ बाकी है क्या? 11th सर, बीच बीच में थोड़े थोड़े क्वेश्चंस बाकी है एचसीवी में, तो थ्योरी नहीं पढ़ाई ना अभी तक। नहीं नहीं 11th वाला किया था ना लास्ट क्लास में ही। यस सर 11th वाला यू आर प्रेजेंट लास्ट क्लास में जो हमने सम भी किए थे लास्ट में वो कर के क्वेश्चन थी ना। पूरा हो चुका था और कुछ बाकी है क्या? और मतलब टेल प्लीज टेल, कोई बाकी रह गया था बीच में ऐसे? थोड़े अपने थोड़े सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, बीच में थोड़े से क्वेश्चंस थे वो बाकी है ना आई थिंक। ओके ओके ठीक है, फिर ठीक है, फिर डिस्कस कर लेंगे अपन लोग। तो सर आप खाली एक मैसेज कर देना ना ग्रुप पर okay, जब आप एचसीवी स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है ठीक है, आई विल आस्क देम आपको मैसेज। ओके थैंक यू सर। 10:20 आल्सो पेपर 3:11 थर्ड थर्ड वाला क्या? ओके 23rd थर्ड क्वेश्चन जो है, वी लुक लाइक इज कन्वर्जिंग टुवर्ड्स अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन, अ प्लेन ग्लास प्लेट इज इतना दिया है, इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पाथ, द कन्वर्जेंस पॉइंट इज शिफ्टेड बाय, जैसे बीम ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है और इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है। अब जो है आपने क्या किया, बीच में एक स्लैब डाल दिया, इसकी वजह से क्या होगा, नॉर्मल शिफ्ट ये काफी ऐसा दिखा रहे हैं नॉर्मल है, तो नॉर्मल शिफ्ट की वजह से क्या होगा, ये जो है शिफ्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, सीधा चला जाएगा ना, दिस इज द नॉर्मल शिफ्ट एंड दिस इज इक्वल टू टी टाइम्स 1 - 1/n फाइनल यहाँ पे आ जाएगा, राइट? ये वाला साउंड में आ रहा है ना, इसमें किसी को डाउट? तो सर वो किधर जाएगा उसका डायरेक्शन वापस बताना। नॉर्मल शिफ्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रेस मिरर, ये स्लैब है। यस सर, स्लैब से जिधर अपन ने डिस्कस किया था नॉर्मल शिफ्ट किधर होता है उसी के डायरेक्शन में होता है, इंसिडेंट रे के अलोंग ही होता है। यस तो सर फिर ऑप्शन सी होना चाहिए ना आंसर? नहीं, जैसे इधर जा रहा है यहां पर तो यस सर उसी साइड हो गया ना, मतलब उस साइड चला गया ना अवे। हां अच्छा अवे, ओके ओके, मतलब यू आर वाचिंग फ्रॉम दिस साइड। ओह ओके ओके ओके, ठीक है। थर्ड के बाद फिर फिफ्थ वाला, light takes kitna time to reach sun from earth if the whole atmosphere is filled with water, ab kya hoga, water se fill karenge to distance to wahi hai, ab speed kam ho jayega, you know speed kam ho jayega to jo hai speed kam ho gaya to time utne times badh jayega, right? So initial time was initially टाइम वॉस कितना है, 8 × 6 = 480 है, तो बाद में टाइम बढ़ जाएगा, फाइनल टाइम कितना हो जाएगा, राइट? ये वाला टाइम 2000 by t, तो ये कितना हो गया 2000 by t, कितने मिनट्स हो गए गाइस? ये अंडरस्टूड ना, स्पीड कम हो गया तो टाइम बढ़ जाएगा। ओ तो बाकी सब टाइम ज्यादा, एक ही ऑप्शन है ना, बेस्ट ऑप्शन एक ही लग रहा है, डी वाला। यस सर, ठीक है, डी इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? नो सर। ओके, फिर ये गया थर्ड, फिफ्थ, नो सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ वाले में क्या दिया है, इमिसिबल ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स ए बी सी डी आर प्लेस्ड ऑन रेक्टेंगुलर कंटेनर, जो रियल है द कंटेनर इज लिमिटेड फ्रॉम वन साइड, ओके,
and a piece of glass is gently dropped into the liquid, the glass piece as it descends down will not be visible. Okay, इसमें visible नहीं होगा, ठीक है? यार किसमें जो है ना, हाँ जब जिसका अगर उसका refractive index सेम हो जाए, है ना? तो सेम हो जाए तो उसी मीडियम का जैसा लगेगा ना, जैसे राइट, जैसे पानी में ही पानी के मॉलिक्यूल्स को हम देख नहीं पाते हैं, तो पानी में डिफरेंट वाला मॉलिक्यूलर देख पाएंगे, तो वैसे ही जैसे ही उसका उस मीडियम में गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया, तो उस समय वो विजिबल नहीं हो पाएगा, दे विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट दैट ग्लास पीस विद द सराउंडिंग. Please repeat yourself. नहीं, जैसे जो है as the object moves down, हाँ, तो अब एक जिस मीडियम में आएगा, हाँ, एक पर्टिकुलर मीडियम में आ गया, अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया, राइट, तो अब जो है उस मीडियम से जो लाइट आ रही होंगी वो वाली मीडियम सब एक ही जैसे लगेंगे ना, विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट आउट. ओके, ग्लास पीस को विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट आउट, सो दैट विल नॉट बी विजिबल. सिक्स के बाद फिर जो है नेक्स्ट ऑब्वियसली मार्क एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड अपीयर्स टू राइज बाय 0.1, डेप्थ ऑफ द लिक्विड इज 1. ओके, डेप्थ जो है तो इसमें कौन सा है, 9th, 10th, सॉरी, ऑन हीटिंग अ लिक्विड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली उसके साथ कोई रिलेशन है क्या, उसके साथ जो है टेंपरेचर के साथ जो कोई रिलेशन, सर क्या बोला आपने, टेंपरेचर बढ़ेगा तो क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा, कैसे? वही तो, नहीं नहीं, टेंपरेचर बढ़ता है तो व्हाट इज द रिलेशन, टेंपरेचर के साथ कोई रिलेशन ऑन हीटिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, टेम्परेचर के साथ साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस ना, द स्पीड ऑफ लाइट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल डिक्रीज ना, क्योंकि यू आर सेइंग कि जैसे जो है जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होना चाहिए ना शायद से, नहीं जैसे रोड है ना, तो रोड के ऊपर जो रोड का टेम्परेचर बढ़ता है तो वहां का फ्लूइड उसकी क्या हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है ना, डेंसिटी कम हो जाती है, मिराज वगैरह का फॉर्मेशन इसी के लिए होता है. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू डिक्रीज, ठीक है. ओके, ठीक है, फिर कौन सा नेक्स्ट, 10 की बात कौन सा है, 11th में भी है, क्या दिया है, आई डिनोट से यूनिट वेक्टर लॉन्ग इंसिडेंट रे, आर वेक्टर लॉन्ग रिफ्रैक्टेड. ओके, तो 11th के लिए, 11th में यू हैव जैसे इंसिडेंट रे मीडियम और रिफ्रैक्टेड रे मीडियम, ये नॉर्मल हो गया, और से दिस इज योर इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे जो है इनटू अ रिफ्रैक्टेड रेस न्यू है जरा, और ये रिफ्रैक्टेड रे, तो ये से दिस एंगल इज थीटा 1, ये रहा एंगल थीटा 2, तो 1 इनटू साइन थीटा 1 इज इक्वल टू क्या जाएगा, म्यू इनटू साइन थीटा 2, और यू हैव ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, रिटर्न ट्रायल करके देखना पड़ेगा ना, मतलब ऑप्शन चेक करके, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ए कैप क्रॉस बी क्या है, साइन थीटा हो जाएगा, और देखो डायरेक्शन सबका इस साइड ही आएगा ना, क्रॉस एन के साथ क्रॉस करोगे सबका एक ही साथ आएगा, है ना, तो यू कैन राइट सिंपली आई कैप क्रॉस एन कैप डॉट कैप क्रॉस न्यू टाइम्स. सर आपको ये वाला कैसा है, सेकंड वाला रिलेशन वेक्टर ए कैप इनटू बी कैप, तो ये वाला देखो A cross B A B sin theta होता है, अच्छा यूनिट वेक्टर है, यस, और सर n कैप क्यों नहीं assume, n कैप क्यों नहीं लिया,
वेक्टर नहीं सर नहीं 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 वैसा वाला एन कैप नहीं सर वो यूनिट वेक्टर अलोंग ए एंड बी इधर फर्स्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इनटू एन कैप होता है ना सर ओ हां हां अच्छा नीचे भी सेम होना चाहिए ना नीचे भी हां नीचे भी सेम तो यहां पे रिलेशन ही आ जाएगा ना तो ये से कौन सा मैच होगा फिर सी वाला सी वाला उससे सी आ जाएगा फिर जो है 20 सर रुक जाओ सर सर एक बार वापस बता सकते हो वन सर एक बार प्लीज वापस बता दो ना ये इंसिडेंट रे हो गया और ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया भाई यस सर और हमारे पास क्रॉस वर्ड का रूल है ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा यस सर ना तो यूनिट वेक्टर लेंगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा ही बनेगा मतलब इसको मैग्नीट्यूड ले लेते हैं अगर ये मैग्नीट्यूड लोगे तो ऐसा बनेगा यस सर अब देखो यहां पर स्नेल्स लॉ क्या कहता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन थीटा 1 इज इक्वल टू यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन थीटा यस सर अब देखो यहां पर ये वाला जो है योर दिस इज योर आई आई और एन क्रॉस तो इनके बीच में एंगल क्या है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ये वाला है थीटा 1 यस सर न्यू को बाहर रखा और ये क्या हो गया आर और एन कैप के बीच में एंगल क्या है थीटा 2 ओके 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 ओ अच्छा यूनिट वेक्टर दोनों के अलोंग सेम है अब 20 वाला क्या सर रुक जा सर आप 22 भी कर सकते हो ओके 20 वाला जो है 20 में क्या गिवन है 20 में टू व्हाट डेप्थ शुड वाटर बी पोर्ड इनटू द बीकर सो दैट कॉइन इज अगेन इन फोकस तो शिफ्ट यूज कर लेते हैं क्या यार ये तो क्लास में किया था ओके ओके t टाइम्स 1 माइनस 1 बाय म्यू कर लेंगे तो आ जाएगा ना तो अब इसका जो है रेज्ड अप बाय 1 व्हाट हां तो कौन सा है 20 शिफ्ट यूज कर लो शिफ्ट क्या t टाइम्स 1 माइनस 1 बाय हाउ मच इज द शिफ्ट 1 सेंटीमीटर t निकालना है 1 माइनस 1 बाय u इज 4 बाय 3 ये कितना आ जाएगा 4 ठीक है ना 4 फिर 21 सर हां सर इसमें t तो सर ये है ना लेंथ थिकनेस ऑफ स्लैब हाँ तो ठीक जितना पानी भर दिया उतना ही हो जाएगा ना पानी का स्लैब एग्रीड एक सेकंड सर हेलो हाँ ओके सर एक बार वापस बोल सकते हो हाँ देखो पानी का हमने से थी टी थिकनेस वाटर वी हैव फिल्ड अप यस सर उसका थिकनेस दी हो गया उसकी वजह से शिफ्ट क्या आ जाएगा टी टाइम्स 1 माइनस 1 बाय न्यू यस सर अच्छा शिफ्ट 1 है ओके एक सेकंड हां सर क्या बोल रहे थे आप 21 एक मिनट का इट्स फिनिश कर दूं सर 1 मिनट Yes, sir, you can erase. 21 में 21 में they have given you here you have a glass slab. Glass slab to 15 centimeter edge contains a small air bubble. Its apparent depth when viewed from one face is 6 and when viewed from the opposite is the refractive index. भाई इसका पता नहीं डिस्टेंस क्या है ये x नॉट ले लेते हैं यहां से डिस्टेंस हो जाएगा 15 माइनस x नॉट अब जब इधर से देख रहे हैं ऐसा तो ये ऐसा ना तो
तो कितना हो जाएगा, जैसे देखेंगे तो डेप्थ कितना जाएगा, x by mu आएगा ना, mu ये ना फॉर्मूला p is equal to mu 2 by 1 times u, ये तो रिफ्रैक्शन एट प्लेन इंटरफेस हो गया। तो डिस्टेंस कितना बता रहा है वाला, डिस्टेंस इज 15 कितना बता रहा है, 6 सेंटीमीटर बता रहा है, दिस इज 6 इज इक्वल टू mu 2 जिसमें रे आ रहा है 1 और रे कहां से आ रहा है क्यूब, क्यूब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है भाई क्यूब, और ये डिस्टेंस क्या है x नॉट, x नॉट बाय mu, फिर जब इधर से देख रहा है बंदा तो ठीक है, उसके लिए डिस्टेंस कितना गिवन है, ये वाला 4 4 इज इक्वल टू क्या जाएगा अगेन, रेस कहां जा रही है mu से एयर में, 1 बाय mu इनटू 15 माइनस x नॉट, यहां से 15 माइनस x नॉट इज 4 mu, यहां पर x नॉट इज इक्वल टू 6 mu, अब क्या करें यहां पर, ये वाला दोनों को ऐड कर देते हैं सर, x नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हाँ x नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 4 mu इज इक्वल टू 15 माइनस क्या हो जाएगा 6 mu, एंड तो 10 mu इज इक्वल टू 15 आ गया, mu इज 1.5 आ रहा है, ठीक है तो ये 21 हो गया, वो ये तो ऐसे ही हो गया ना, हमने याद है एक एचसीयू में किया था स्फेरिकल वाला, एचसीयू में किया था ना स्फेरिक, स्फीयर के सेंटर से थोड़ा डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट है, दोनों साइड से देख रहा है बंदा, तो निकाल रहे थे इमेज, यस यस यस, स्फेरिकल में किया था, स्फेरिकल रिफ्रैक्शन लास्ट क्लास स्फेरिकल रिफ्रैक्शन में, ठीक है अब फिर 22nd, a glass slab of thickness 3 cm refractive index is placed on an ink mark for a person looking at the mark at a distance 5 cm of it, the distance of the mark will appear to be okay, so wo shift wala formula se ho jayega na, ek minute, ha nahi actual distance nikalna hai yahan pe, shift nahi distance nikalna hai, theek hai karte hain, jab ye wala ho gaya, yes sir, ye ho gaya, to 22nd में ये ऐसा है, यहाँ पे there is a mark, slab of thickness 3 cm, refractive index mu is 1.5, और there is a person looking at it 5 cm, one person looking, सर हम shift निकाल के उसको 5 से minus कर देंगे ना, ओ हाँ हाँ हाँ, actual distance ही 5 दिया है ना, sorry ठीक है, एक्चुअल पूरा डिस्टेंस ही 5 दे दिया है आपको, तो शिफ्ट निकाल लो, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अपेरेंट डिस्टेंस विल बी 5 माइनस शिफ्ट, शिफ्ट 1 आ रहा है सर, ओके शिफ्ट इज इक्वल टू t टाइम्स 1 माइनस 1 बाय 2, ये 1 सेंटीमीटर आ रहा है, 5 माइनस 1 सो 4 सेंटीमीटर, ठीक है ठीक है, next 23rd, a fish at a depth of 12 cm in water is viewed by an observer on the bank of a lake, to what height, oh fir ye to ha jo hai water ka nahi diya hua hai, 4 by 3 le lenge kya, to what height the image is raised, theek hai yaar Vedant iska screenshot ho gaya na, yes 23rd mein, उसका एक्चुअल डेप्थ जो है फिश का 12 सेंटीमीटर है ना, तो उसको थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, एच डैश क्या हो जाएगा 12 बाय 4 बाय 3, एच डैश क्या जाएगा 9 सेंटीमीटर, तो 9 पे दिखाई देगा, तो शिफ्ट कितने का हो गया, 3 सेंटीमीटर का है ना सर, हाँ एक्चुअल जो है प्लेन है ना, और उसको 9 दिखाई दे रहा है, शिफ्ट कितने का हुआ 3 सेंटीमीटर, ठीक है चलो अब क्लास टेस्ट 4, फोर के लिए हाँ डाउट बताओ,
यस सर और मेरे नंबर से स्टूडेंट्स बाकी लोग के फोर्थ में डाउट्स सर एक सेकंड सर सिक्स्थ क्वेश्चन फोर्थ का सिक्स वाला एंड इसके बाद उसमें एक ही डाउट है सेवेंथ निदान सेवेंथ बोला है ना यस सर सेवेंथ ओके नेक्स्ट 15 11 और सर 19 सर समित एक डाउट पूछ सकता हूँ कॉन्सेप्चुअल हाँ सर मिनिमम डिविएशन के केस में आई और ई इक्वल होते हैं ना डेल्टा मिनिमम डेज में हाँ आई एंड ई इक्वल आते हैं करेक्ट और सर वो जो आर वन और आर टू आपने लिखा था ना एक दिन आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू ए एंगल ऑफ प्रिज्म सर उसमें आर वन एंड आर टू विल आल्सो बी इक्वल राइट यस 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 ओके सर थैंक यू अब सिक्स वाले क्वेश्चन में दिया है इफ अ लाइट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस x इन t1 सेकंड्स इन एयर फिर 10x इन डिस्टेंस t2 सेकंड्स इन मीडियम द क्रिटिकल एंगल ठीक है तो लाइट जो है सिक्स वाले डिस्टेंस x ट्रैवल करता है ना और टाइम जो लग रहा है यहाँ पे t1 सेकंड्स और डिस्टेंस 10x ट्रैवल करने के लिए तो टाइम जो लग रहा है कितना लग रहा है t2 सेकंड्स स्पीड इसमें स्पीड क्या आ जाएगा x by t1 इसका स्पीड आ जाएगा 10x डिस्टेंस बाय स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम ये हो गया फिर पूछा है क्रिटिकल एंगल ऑफ द मीडियम क्रिटिकल एंगल ऑफ द मीडियम यार यहाँ पर जो डेंसर कौन सा है रेयर कौन सा है साइन थीटा सी जो है क्या जाएगा म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर और बी क्या होता है सी बाय म्यू सी बाय म्यू यार इसमें रेयर कौन सा है डेंसर कौन सा है यार नहीं एयर वाला है सॉरी दिस इज इन एयर एयर ऑब्वियसली ये रेयर हो जाएगा और ये डेंसर हो जाएगा ठीक है तो यहाँ से म्यू रेयर बाय म्यू डेंसर निकालो ना कितना आता है यहाँ से म्यू रेयर कितना आएगा सी टी वन बाय एक्स आएगा ये वाला म्यू रेयर सी टी वन बाय एक्स और म्यू डेंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर सी टी टू बाय टेन एक्स ये कितना हो गया सी टी वन बाय एक्स और ये वाला सी टी टू बाय टेन एक्स तो साइन क्रिटिकल एंगल साइन प्लस विल बी इक्वल टू सी कट गया x भी कटा तो 10 t1 अपॉन t2 सर हाँ सर याद है सर सपोज सर हमें एक स्लैब दी है ग्लास स्लैब ऑफ लेंथ t और सर उसमें से लाइट रे जा रही है जिसकी स्पीड है c सपोज और उसका क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब इज म्यू तो सर फिर टाइम टेकन वुड बी हाउ मच वो थिकनेस को टी अज्यूम करेंगे क्या सॉरी वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट को टी अज्यूम करेंगे क्या यस यस लेकिन सर वो थोड़ा तो ये ऐसा डिविएशन होता है ना उसको इग्नोर करेंगे ओके ओके यू आर सेइंग नहीं नॉर्मल इंसिडेंट है ना अपेरेंट डिस्टेंस निकाल के उसको स्पीड से डिवाइड कर देंगे हां या फिर नॉर्मल डिस्टेंस बोलेंगे ना नॉर्मल डिस्टेंस है वो नॉर्मली मान लेंगे अच्छा फिर अगर सपोज उसका क्या बोलते हैं स्लैंट हो रहा है लाइट रिफ्रैक्टिंग एंगल हां एक एचयू में किया था ना आपने तो इंसिडेंट एंगल दिया रहता है इंसिडेंट एंगल से रिफ्रैक्टिंग एंगल निकाल दिया ओके तो फिर वो हां अच्छा तक इंफॉर्मेशन देंगे फॉलो क्वेश्चन में इंसिडेंट एंगल फिर रिफ्रैक्टिंग एंगल निकाल लोगे थिकनेस दिया रहेगा तो हाइपोटेन्यूज जो स्लैंट डिस्टेंस है वो निकाल लोगे यस यस ओके थैंक यू यस 6 के बाद फिर 7
Seventh में endoscope is employed by physician to view the internal parts of the body organ. It is based on the principle of TIR, na? Sir, how TIR? नहीं क्या होता है एंडोस्कोप में क्या होता है ग्लास का ट्यूब अंदर पर्सन के अंदर इंसर्ट करते हैं और उसके एंड में क्या होता है उसके एंड में एक बल्ब होता है ना तो बल्ब क्या करता है जैसे एंडोस्कोप जब ऑन करते हैं बल्ब ऑन करता है बल्ब क्या करता है ऑर्गन्स पे लाइट फेंकता है ना यस नाउ ऑर्गन्स पे फेंकता है तो ऑर्गन्स क्या होंगे रिफ्लेक्ट करेंगे तो नाउ ऑर्गन्स विल बिकम ऑब्जेक्ट तो वो ऑब्जेक्ट से निकली हुई लाइट फिर वापस आएंगे बाहर अच्छा उतना मेरे को अच्छा वो मैकेनिज्म नहीं समझा इसलिए आंसर नहीं कर पाया ओके ये हो गया 6th एंड 7th 11th वाला लिमिट में क्या दिया है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म फॉर मोनोक्रोमेटिक वेव इज √2 एंड इट्स रिफ्रैक्टिव एंगल रिफ्रैक्टिंग एंगल इज 60 डिग्रीज फॉर मिनिमम डेविएशन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ठीक है तो अरे हाँ तो जो है इसमें आपने 11th के लिए म्यू इज इक्वल टू क्या म्यू साइन ए बाई टू यार ये फॉर्मूला याद नहीं है तो छोड़ो अप्लाई करते हैं हाँ क्या दिया है यार 11th का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है रिफ्रैक्टिंग एंगल जो दिया हुआ है आपको 60 डिग्री दिया हुआ है और जो है मिनिमम डिविएशन वाला केस है मिनिमम डेविएशन के लिए डेल्टा मीन के लिए क्या होता है आई इक्वल टू आर वन इक्वल टू आर टू इक्वल टू ई बाई टू होता है तो ठीक है आपका यहाँ से आर वन आ गया तो आई निकालना है नेस्ल लगा लो वन साइन आई इक्वल टू साइन आर वन कितना है ए बाई टू ए 60 है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा साइन 30 हो गया और ये साइन आई ये 1 बाई रूट टू नहीं म्यूज रूट टू ये 1 by 2 हो गया sin i i की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री ठीक है ना 11th वाला गाइस 11th वाला ठीक है ना Yes, sir. Okay, 11th के बाद फिर 15 में दिया angle of prism is A and its one surface is silver. Okay. Light rays falling at an angle of prism is 2A on the first surface return back to the same path after reflection at the okay ठीक है तो rays जैसे आई हैं वैसे जा रही हैं तो एक सरफेस ऐसा है ना तो मैं इसको डिलीबरेटली कुछ नंबर कौन सा है ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं ऐसा इसको ऐसा ड्रॉ कर लेता हूँ और सिल्वर वाले को ऐसा कर लेता हूँ ठीक है कैसा भी चलेगा हाँ देखो इसमें क्या हो रहा है यू कैन ड्रॉ एनी वे जैसे या फिर ऐसा ये सिल्वर फेस है ना अब जो है अगर उससे वापस लौट रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन रिटर्न बैक टू द सेम पाथ मतलब जो है इसको नॉर्मली स्ट्राइक करेंगे तभी तो वापस लौटेंगी तो नॉर्मली इसको स्ट्राइक करेंगे यहाँ से नॉर्मली स्ट्राइक नहीं ये नॉर्मल हो गया है ये वाला ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ना अब ये वाला एंगल क्या है आपका ए और ये कितना मजा ये 90 है ये कितना हो जाएगा 90 माइनस ए ये वापस ए हो जाएगा और ये एंगल आई है ना तो आपको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 2a सॉरी आई इज 2a ठीक है स्नेस लॉ लगा दो 1 साइन 2a इज इक्वल टू म्यू साइन ए एक्सपैंड कर लो 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू म्यू साइन ए म्यू इज इक्वल टू 2 cos a ठीक है क्या ना
15th. Okay, guys, you all are 15th. Yadan? Haan, sir. 15th, okay. Screenshot. Screenshot le liya, sir. Yes, sir. Okay. 19 में क्या दिया है प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल 60 डिग्रीज मेड अप ऑफ ना दिया है व्हाट सर्टेन वेवलेंथ मिनिमम डेविएशन इज दिस ओके तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल इसके तो डायरेक्टली फार्मूला से कर 19 वाला म्यू इज इक्वल टू अगर फार्मूला याद नहीं है तो ये एंगल 19 के लिए ठीक है इसमें क्या दिया है प्रिज्म का एंगल ये वाला 60 डिग्रीज मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा R1 इक्वल टू R2 इज इक्वल टू a बाय 2 तो 30 डिग्रीज आ जाएगा ये 30 आ गया और फिर क्या दिया है डेल्टा डेल्टा इज i प्लस e माइनस a एंड मिनिमम डिविएशन इज हाउ मच 30 डिग्रीज 30 इज इक्वल टू i और e इक्वल होता है और a की वैल्यू क्या है 60 y is equal to कितना हो जाएगा 90 I will be 45 ये वाला एंगल 45 आ गया अब स्नेल्स लॉ 1 sin 45 is equal to mu mu sin 30 1 by root 2 mu 1 by 2 mu की वैल्यू क्या आ जाएगी root 2 आ जाएगी ठीक है 19 ओके गाइस 19 के बाद अब हाँ ठीक है तो हो गया फिर 5 टेस्ट 5 में किसी का डाउट प्लीज टेल सर 14th वन फिफ्थ में ओके लास्ट टेस्ट 5 में 14 एंड और तो सी और कोई है क्या प्लीज सर 14 ठीक है 7 7 14 हां 7 14 और कोई ठीक है क्या दिया है फ्लिंट ग्लास इज जॉइंड बाय अ क्राउन ग्लास प्रोड्यूस डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन 7th में नो डेविएशन है So no deviation is there. Okay. The refractive index for this rays are this. Oh, so no deviation matlab delta y1 or y1 ka or 2 ka jo aayega same hona chahiye. So ye kya ho jayega mu y1 minus 1 into a1 mu y2 minus 1 into a2. So y1 ka kitna hai yaar yahan par एक वन पॉइंट क्या दिया है पहला कौन सा है इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर मीन रेस पहला जो है कौन सा क्राउन ग्लास नहीं फ्लिंट फ्लिंट का दिस इज फ्लिंट का एंड दिस इज क्राउन फ्लिंट का कितना है 1.602 माइनस 1 और फ्लिंट का एंगल दिया है 10 और क्राउन का 1.5 क्राउन का एंगल निकालना है ठीक है 7 14 के लिए टू लेंसेस हैविंग द रेशियो ऑफ डिस्पर्सिव पावर ओ 14 में ओ याद है फॉर हां फिफ्थ वन आल्सो फिफ्थ वाला ठीक है एंड 8th वन आल्सो नो सर नॉट फिफ्थ सिक्स्थ जो है हैविंग नो डिस्पर्शन नो डिस्पर्शन नो डिस्पर्शन मीन्स एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस इसमें क्या आ जाएगा ओमेगा 1 बाय एफ 1 प्लस ओमेगा 2 बाय एफ 2 इक्वल टू 0
और लाइक ऐसा है ये वाला WF1 लास्ट दिस वर्जन पावर लास्ट लास्ट में सर एक सेकंड सर दो लेंसेस लिए थे DF इक्विवेलेंट जीरो किया था ना ओ हाँ हाँ ठीक है और आपके पास रेशियो है भाई इसका F1 by F2 का रेशियो है तो ओमेगा 1 by ओमेगा 2 आ जाएगा यस सर ओके सर अंडरस्टूड थैंक यू फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है ये से आंसर आ रहा है ना विदान तो मेरे को चेक करना पड़ेगा सर तुम्हारा नाम कौन सा था यार सिक्स्थ वाला सर आ जाएगा लगता हाँ आ जाएगा लगता आंसर सिक्स्थ वाले में क्या दिया है सिक्स वाले में the respective angles दिया हुआ है dispersion without deviation no deviation तो नो डिविएशन के लिए बस येलो वाले का इक्वल कर देंगे राइट नो डिविएशन ये सिक्स वाला जैसे हो गया ना व्हाट डिड यू आस्क सिक्स क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा लाइक सेवन सेवेंथ सर नहीं सर एट वाला ओके सिक्स वाला तो यही हो गया हाँ सर सेम ओके ओके अंडरस्टूड सर अंडरस्टूड वो सॉरी ये 14 था ना वो ओमेगा 1 बाय F1 वाला ना 14 ठीक है अभी 8 में डाउट है ओके 8th वाले के लिए तो सर आपने 6th वाला अच्छा 7th वाले के जैसे ही 6th वाला भी हां 7 और 6 सेम हो गया अभी कौन सा 8th वाले में डाउट है ना यार यस सर 8th हां इन डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन देयर इज नो डेविएशन हां no deviation but there is dispersion no deviation but there is dispersion to kya hoga jo hai emergent rays of all parallel be na violet yellow ray is parallel ha yellow ray na yellow ray will be parallel yaad hai maine diagram jo bheja tha सर एक सेकंड ना नो डिविएशन मींस किसका नोट किसको पकड़ेंगे हम येलो वाले को ना राइट इस समय वो इमेज खोल रहा हूँ ओके 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 सर वैसे भी लड़की जस्ट विदाउट डिविएशन बोला है विदाउट डिविएशन किसका लेंगे येलो वाला तो येलो वाला शुड नॉट हैव एनी डिविएशन तो डेविएशन मतलब वो ही ना कि डेल्टा एफ माइनस डेल्टा वायलेट पॉइंट डेल्टा आर शुड बी इक्वल टू 0 हां नहीं डेविएशन मतलब अपने जो वाइट लाइट जो आया था ना इंसिडेंट हुआ था ना उसी पाथ पे जाना चाहिए अच्छा ओ ओके ओके सर ओके तो सर इसका फिर कौन सा ऑप्शन रहेगा सर येलो ये इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे क्योंकि अच्छा मीन को पैरेलल रहना पड़ेगा हां राइट थैंक यू So, but why is that not all the colors are parallel to the incident ray? Why are that all the rays are parallel? Because there is no deviation, right? There is only dispersion. No, no, no deviation means deviation. हम किसका देखते हैं? सिर्फ yellow वाले से detect करते हैं. Oh, okay. So answer should be B, na? हाँ सर बी है बी ना हाँ येलो कलर का डिविएशन नहीं होना चाहिए बस ठीक है गाइस ये वाला ओके तो ठीक है फिर गाइस बाकी वाला एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे क्या इसका हो गया है तो लास्ट ई टेस्ट में कोई डाउट नहीं है तो Students,
Okay. Can we discuss that thing? So what? Extra questions आज करेंगे कि फिर सर अभी क्लास है हमारा 6 बजे सर अभी तो मैथ्स से करना सर ऐसा करते हैं फिर फ्राइडे को करें फ्राइडे को हाँ सर फ्राइडे को वो एक्स्ट्रा वाले करा दो एक्स्ट्रा वाले कर देते हैं ना ठीक है अरे सॉल्ड एग्जांपल्स किया आप लोगों ने एचसीडी का कर रहे हो ना हाँ सर करने का है अभी भी ठीक है और हाँ और मैं बुकलेट के जो जितना अपना थ्योरी हुआ है सभी क्वेश्चंस मैंने मार्क कराए हैं ना तब आप होमवर्क देती थे ना साइड बाय साइड जैसे ही लेक्चर खत्म होता सब होमवर्क देते थे और आप मार्क भी कराए कोई छोटा तो नहीं है ना मतलब मैं छोटा मींस आई मीन स्फेरिकल रिफ्रैक्शन तक कोई छोटा तो नहीं है ना तो वो मैं को नहीं पता स्फेरिकल रिफ्रैक्शन का जो एक्सरसाइज वन का ही किए थे ओके तो उसका नहीं हुआ ठीक है मैं ऐसा कर लेता हूं सॉफ्ट कॉपी है ना सर तो बहुत प्रॉब्लम जाता है कौन सा पेज किधर है इसलिए ठीक है ठीक है मैं फिर से चेक करता हूं और जो भी टिल रहेगा टिल स्फेरिकल रिफ्रैक्शन तक वो दे देता हूं हां ताकि एटलीस्ट स्फेरिकल रिफ्रैक्शन तक पूरा कंप्लीट रहे ओके सर इसी में थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे ओके गाइस और सर आप आपकी की टेस्ट लेने वाले क्या पेनिसिया पे और नहीं और तो कुछ नहीं अभी आई विल गिव एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देते रहूंगा या टेस्ट मैं अपना ग्रुप में डाल दूंगा ना आप लोगों को सर क्लास टेस्ट हां क्लास टेस्ट डालूंगा ओके सर थैंक यू बाय थैंक यू सर सर आप फिजिक्स के कौन से चैप्टर्स पढ़ाओगे फिजिक्स का मतलब वो तो प्लानिंग जैसा भी अलॉट करेगा एनी चैप्टर्स जैसे तो कोई सा भी दे देते हैं मतलब जैसे लास्ट अच्छा कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है कि स्पेसिफिक फिजिक्स के ये चैप्टर्स आप करेंगे बाकी के चैप्टर एसीपी से करेंगे नहीं नहीं वो तो कैसे कोई सा भी किसी को भी कुछ भी अलॉट हो जाता है मतलब ऑल कैन टीच ऑल चैप्टर्स ना अच्छा ओके ओके वेदांत यू आर फ्रॉम व्हिच सेंटर एनएपीजेसी 4 अंधेरी अंधेरी सर पढ़ाते हो अंधेरी में हाँ हाँ ओके सर ओके बाय बाय सर थैंक यू सर बाय सर